नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम प्लांट पैथोलॉजी में एक नए टॉपिक येलो रस्ट डिजीज ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय, येलो रस्ट डिजीज क्या होती है। येलो रस्ट डिजीज को स्ट्राइप रस्ट या फिर स्टेम रस्ट भी कहते हैं, एंड इसका जो नुकसान है वो इतना नहीं होता जितना कि ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट का होता है। वीट रस्ट डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग डिजीज मानी जाती है। और येलो रस्ट डिजीज जो है दैट इज लिमिटेड टू द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है जहां पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी इतना नुकसान नहीं होने के बावजूद भी दिस डिजीज इज ऑफन अकाउंटेबल फॉर वेरी सीरियस लॉस इन द फील्ड। बहुत सीरियस लॉस हो सकती है। वजह ये कि ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलिएज, जिसका जो ग्रीन पार्ट होता है, पत्तियां स्टेम होती है, ग्रीन पार्ट सब उसका डैमेज हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। और कभी कभी जो स्पाइकलेट होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, जिसमें कि फ्लावर नहीं होता, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इसलिए सीड सेट नहीं होता। और अगर होता भी है तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बैडली श्रिवल्ड ग्रेन, जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही पिचके हुए होते हैं, भरे हुए दाने नहीं आते। इसके लक्षण क्या होते हैं? इन जनरल द इन्फेक्शन इज चीफली कन्फाइंड टू द लीव्स, ज्यादातर ये लीव्स पे दिखाई देती है इसके जो सिम्टम्स होते हैं। ओनली इन केस ऑफ सीवियर अटैक, बहुत जब बहुत ही इसका अटैक बहुत ज्यादा सीवियर होता है, उस समय ये पत्तियों के अलावा लीफ शीट स्टॉक यानी कि स्टेम एंड इवन द ग्लूम्स जो बालियां होती हैं उन पे भी इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पत्तियों पे ये कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं इसको। दिस इज द डिजीज्ड लीफ, दोनों पत्तियों में दिखाई दे रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। इन्फेक्शन की वजह से द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ फर्स्ट ऑफ ऑल फेड्स, जो ग्रीन कलर होता है वो फेड हो जाता है क्लोरोफिल डैमेज होने की वजह से, क्योंकि सेल्स क्लोरोसिस हो जाती है सेल्स में, क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है उनका। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही स्पेशल होते हैं, लॉन्ग स्ट्रीक्स में होते हैं, लंबी लंबी धारियां बनती हैं, इसलिए इसका नाम है स्ट्राइप डिजीज भी कहते हैं इसको। उसका वजह ये है कि जो स्मॉल पशूज होते हैं यूरोसोराई के, ये लंबे लंबे बनते हैं। A distinct yellow strip effect is produced in the leaves because the यूरोसोराई जो होते हैं, जो यूरोसोराई बनते हैं वो लंबे स्ट्रिप्स में बनते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो पैथोजन है दैट इज फंगस, एंड इसका नाम है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इट इज अ हेटरोसियस फंगस, हेटरोसियस मतलब दो अल्टरनेट होस्ट में, दो होस्ट इसको चाहिए अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, एक तो गेहूं है। और इट इज द फंगस इज मैकोसाइक्लिक, मैकोसाइक्लिक कहने का मतलब है फाइव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ जो स्पोर्स होते हैं वो इसकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। बेसिडियो माइकोटीना का है, इसमें पांच स्टेजेस पाए जाते हैं और ये पांच इसमें प्रेजेंट होते हैं। टेलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स जिसको स्पोरेडिया भी कहते हैं, यूरियोस्पोर्स भी बनते हैं, ये सभी वीट में पाए जाते हैं। एंड पिकनियोस्पोर्स एंड स्पर्मेशिया जो होते हैं, पिकनियोस्पोर्स जिसको स्पर्मेशिया कहते हैं एंड एसियोस्पोर्स, ये अल्टरनेट होस्ट पर पाए जाते हैं। इसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम माइकोटा, डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन बेसिडियो माइकोटीना, क्लास टेलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिनेरिस, फैमिली पक्सिनियेसी, जीनस पक्सिनिया एंड स्पीशीज स्ट्राइफॉर्मिस। अब इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो फंगस है उसकी क्या विशेषता होती है, वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं और कैसे दिखाई देते हैं? द यूरोस्पोर्स अपीयर ब्राइट येलो पशूज, इसलिए नाम है इसका येलो येलो रस्ट। दे आर सब एपिडर्मल, एपिडर्मस के ठीक नीचे बनते हैं यूरोसोराई, एंड रिमेन कवर्ड फॉर मच लॉन्गर टाइम। और ये जो है एपिडर्मिस जो होस्ट की है वो फटती नहीं है, और उस एपिडर्मिस के अंदर ही बहुत समय लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि दूसरे आपने ब्लैक रस्ट में देखा था, वो केटर लाइक पशूज बन जाते हैं, वो फट जाते हैं एपिडर्मिस और वो यूरोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, इसमें ऐसा फटते नहीं है। बट वेन दे फाइनली ब्रेक थ्रू, बाद में ये फटते हैं मैच्योर होने के बाद में फटते हैं, उस समय येलो यूरोस्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं विंड के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं, दीज आर येलो कलर्ड यूरोस्पोर्स, किसी यूरोस्पोराई में दीज आर एक्चुअल पिक्चर्स। यूरोस्पोर्स कैसे होते हैं? यूरोस्पोर्स आर स्फेरिकल टू ओवेट, स्फेरिकल या ओवेट इनका शेप हो सकता है। यूरोस्पोर्स हमेशा डाइकैरियोटिक होते हैं और साइज इनका वेरिएबल हो सकता है। स्पोर वॉल जो होती है हमेशा की तरह यूरोस्पोराई की, जो यूरोस्पोर्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो इकैन्युलेट होती है, थोड़ी सी स्पाइनी होती है, बहुत ही माइन्यूट स्पाइन्स होते हैं।
एंड इसके ऊपर 6 से 16 तक जर्म पोस्ट पाए जाते हैं जो कि सरफेस पे बिखरे हुए होते हैं, इनका कोई पोजीशन फिक्स नहीं होता। बाद के स्टेजेस में एज द होस्ट मैच्योर, जब होस्ट मैच्योर हो जाता है उस समय टेलिटोसोराई भी बनते हैं इनके, और जो टेलिटोसोराई बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लीफ शीट के ऊपर, ग्लम्स के ऊपर, और ये रेयरली फाउंड ऑन लीफलेट, लीफलेट पे टेलिटोसोराई नहीं पाए जाते। संरचना कैसी होती है टेलिटोसोराई या कॉम्पैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, कलर इसका डल ब्लैक कलर के होते हैं, अरेंज इन रोज, क्योंकि इसके जो पशूज थे वो लंबे लंबे स्ट्रिप्स में होते हैं इसलिए अरेंज इन रोज, रोज में अरेंज होते हैं, वेरी सिमिलर टू द यूरोसोराई, जैसे यूरोसोराई होते हैं अरेंजमेंट उनका बिल्कुल वैसा ही होता है। ये भी फटते नहीं, दे डू नॉट ब्रेक, एपिडर्मिस नहीं फटती इसकी, जहां पर ये बनते हैं वहां एपिडर्मिस नहीं बस्ट होती, और दे रिमेन एज फ्लैट ब्लैक क्रस्ट, काले रंग के क्रस्ट की तरह, खुरदुरे धब्बे की तरह ये लीफ पर दिखाई देते हैं, सॉरी लीफ पर नहीं पाए जाते, लीफ शीट पे, ग्लूम्स पे पाए जाते हैं। टेरिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, टेरिडोस्पोर्स बाई सेल, दो सेल की बनी हुई होती है, कलर इनका डार्क ब्राउन होता है इसलिए ब्लैक दिखाई देते हैं, और एट फ्लैटेंड एट द टॉप, जो उसकी संरचना है वो टिप पर ही बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज बाई सेल टेरिडोस्पोर्स, ये नीचे की सेल, ये ऊपर की सेल, टॉप पर ही बिल्कुल फ्लैट है, और इसकी जो वॉल है ये इतनी डार्क नहीं जितनी कि ब्लैक रस्ट में पाई जाती थी, इसीलिए ये डार्क ब्राउन दिखाई देते हैं, तो ब्लैक रस्ट की तरह बिल्कुल ब्लैक नहीं दिखाई देते। दिस इज जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर, जिसमें कि जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिलियम, दिस इज स्पोरमाइसीलियम जिसको बेसिलियम कहते हैं, दिस इज बेसिलियोस्पोर जिसको स्पोरिडिया भी कहते हैं, ये यहाँ पर बनती है। टेलिटोसोराई में बीच बीच में यूनिसेलुलर पैराफाइसिस पाए जाते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं। अब देखते हैं डिजीज साइकिल कैसी होती है। जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं ये जब रिलीज हो जाते हैं तो दे कैन जर्मिनेट इमीडिएटली विदाउट एनी रेस्ट, ये तुरंत जर्मिनेट हो सकते हैं, इनको रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज हेटरोसियस, हेटरोसियस रस्ट है, लेकिन अभी तक इसका कोई अल्टरनेट होस्ट आइडेंटिफाई नहीं किया गया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे लगाए जाते हैं, हिल नॉर्दर्न रीजन है वहां पर जहाँ ठंडा होता है, हिलिस्ट एरियाज, वहां पर गेहूं लगाने का जो सीजन होता है वो ऐसा वो होता है जबकि प्लेन्स में गेहूं कट चुके होते हैं, तो एक तरह से गेहूं जो है होस्ट जो है प्राइमरी होस्ट पूरे साल इसको अवेलेबल होता है, इसीलिए ये सर्वाइव कर सकता है। जो यूरियोस्पोर्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे भी सहन कर सकते हैं, एंड इसीलिए दे सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम, जो प्राइमरी इनोकुलम जो है प्राइमरी इन्फेक्शन यहीं से आता है, और ये स्प्रेड कैसे होता है डिजीज थ्रू ग्रास, ग्रास होस्ट फ्रॉम द हिल्स, जैसे आपको पहले बताया जब यूरियोस्पोर्स जो बन जाते हैं यहाँ पर प्लेन्स में जब गेहूं मैच्योर हो चुका होता है उस समय, जब गेहूं का सीजन ऑफ प्लेन्स में खत्म हो चुका होता है लेकिन हिल्स पर गेहूं की पैदावार हो रही होती है उस समय में, तो एक तरह से जो इसके यूरियोस्पोर्स होते हैं उड़ के वहां पहुंचते हैं, फिर वहां से जब वहां पे यूरियोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं वहां से उड़कर वापस प्लेन में आ सकते हैं, इसीलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं पूरे साल। दिस रस्ट कैन पेरिनेट एज माइसीलियम इन द वीट लीफ इन वेरियस ग्रासेस, बहुत सारे ग्रास ऐसे होते हैं जिसमें ये उसके वीट लीफ में या फिर दूसरे किसी ग्रासेस के लीफ में ये यूरिडोसोराई के फॉर्म में, यूरिडोस्पोर्स के फॉर्म में सर्वाइव कर सकते हैं या फिर माइसीलियम के फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जब फेवरेबल सीजन आता है उस समय जो माइसीलियम होती है दूसरे होस्ट में दे प्रोड्यूस यूरिडोसोराई, और यही जो है बार बार इन्फेक्शन एक तरह से एक साइकिल चलती रहती है, बार बार यूरोस्पोर्स बनते हैं दूसरे होस्ट में, फिर वो एक्चुअल के होस्ट पे आ जाते हैं, यूं पे आ जाते हैं, यहाँ से यूरोस्पोर्स उड़ के वापस दूसरे ग्रास होस्ट पे चले जाते हैं, इसीलिए इसको एक परफेक्ट जो अल्टरनेट होस्ट होता है जैसे कि बारबेरी था ब्लैक डस्ट में वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो सका है। ये एक जनरल लाइफ साइकिल है कि जो डिजीज है रस्ट की वो कैसे चलती है। दिस इज द टेलिटोस्पोर्स, टेलियम या टेलिटोसोराई, यहाँ बनते हैं टेलियोस्पोर्स बाइसेल, फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होने के बाद ये मेसिलियम बनाता है, कोमेसिलियम इसको कहते हैं, यहाँ पर बेसिलियोस्पोर्स जो बनते हैं या स्पोरिडिया कहते हैं, दो प्लस स्ट्रेन दो माइनस स्ट्रेन, ये आता है अल्टरनेट होस्ट पे जैसे कि ब्लैक होस्ट में था बारबेरीज पे, वहाँ ये बनाता है पिकनियम, ये पॉजिटिव जो रिसेप्टिव हाइफ है वो निगेटिव स्पर्मेशिया को रिसीव करती है, और निगेटिव जो स्पर्मेशिया है रिसेप्टिव हाइफ है वो पॉजिटिव स्पर्मेशिया को रिसीव करती है, और यहाँ पर ये फ्यूज होते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ ये स्पोर्स बनाते हैं,
साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, इससे डाइकोरियोटिक कंडीशन मेंटेन रहती है, एसी स्पोर्स बनाते हैं, ये एसी स्पोर्स भी होते हैं, ये भी एन प्लस एन होते हैं, यहाँ के दो न्यूक्लियस होंगे, डाइकोरियोटिक होगा और ये वापस प्राइमरी होस्ट गेहूं को इन्फेक्ट करते हैं और फिर गेहूं पर ये यूरोस्पोर्स बनाते हैं एंड यूरोसोराई। ये एक्चुअल जो है डिजीज साइकिल का डायग्राम है येलो रस्ट का। यहाँ पर जो टेलीस्पोर्स बनते हैं ये बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। अल्टरनेट होस्ट स्टार से लगा हुआ है कि आइडेंटिफाइड नहीं है, इट मे बी बारबेरीज या फिर अदर ग्रासेस। ये टेलीस्पोर्स जो होते हैं दे ओवर विंटर्स ऑन वॉलंटियर प्लांट्स, वॉलंटियर प्लांट्स होते हैं दैट मे बी ग्रासेस या फिर हिल्स में पाए जाने वाले जो गेहूं के पौधे हैं उन पे विंटर सीजन में वहां पर रहता है। फिर वापस अर्ली इन्फेक्शन ऑफ प्लांट्स बाय विंड बॉर्न यूरोस्पोर्स, जो दूसरे होस्ट पे या फिर जो हिल एरियाज में जो यूरोस्पोर्स बनते हैं ग्रासेस के ऊपर या वीट के ऊपर वो उड़ के आते हैं हवा के साथ और ये प्लेन्स में प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये यहाँ पर दिखा दे सिम्टम दिखाई गए लीफ के ऊपर और ज्यादातर ये सीडलिंग स्टेज को इन्फेक्ट करता है और बाद में ये पश्यूज इराप्ट रिलीजिंग यूरोस्पोर्स यूरोसोराई बनाता है और जहां से यूरोस्पोर्स रिलीज होते हैं। ये यूरोस्पोर्स जो है वापस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज स्प्रेड बाय विंड डिस्पर्सल, विंड के द्वारा उड़ते हैं और ये समर सीजन में लेट इन द सीजन यहाँ पर बनते हैं टीलिया, उसी प्लांट पर जिस पर ये प्राइमरी इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसी प्लांट पर ये लेट सीजन में टीलिया स्पोर्स बनाते हैं जहाँ पर टेलिटोस्पोर्स बनेंगे, जैसा टेलिटोस्पोर्स टेलिटोसोराई है ये, और लेट सीजन में वापस ये टेलिटोस्पोर्स बनेंगे जो कि पेरिनेट करते हैं और बेसिडिया या बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि जो टेलियोस्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद के जो स्टेजेस हैं बेसिडियोस्पोर्स बनना या फिर स्पर्मेशिया पिकनिया एशिया, ये सभी स्टेजेस जो है वो अल्टरनेट होस्ट बारबेरी लीफ पे जाते हैं, लेकिन यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो जो वॉलंटियर ग्रासेस ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं दूसरे हिल्स पर पाए जाने वाले वीट प्लांट या दूसरे ग्रास फैमिलीज के प्लांट्स उन पे जाते हैं और इस तरह से ये जो साइकिल है ये सीधे सिर्फ इसमें यूरिडोस्पोर्स ही इन्वॉल्व होती है, जबकि टेलिटोस्पोर वाली जो साइकिल है वो अल्टरनेट होस्ट पे जाती है उसके बाद के स्टेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज यूरोस्पोर्स और यहाँ से ये वापस पशुज जो है इरप्ट होते हैं फिर पशुज बनते हैं फिर यूरोस्पोर्स बनते हैं और ये साइकिल इस तरह से लगातार चलती रहती है। अब देखते हैं डिजीज को कंट्रोल कैसे किया सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ येलो रस्ट डिजीज इज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फेवरेबल टाइप्स ऑफ वीट। वजह ये कि बहुत सारे फॉर्म स्पीशीज प्रेजेंट हैं क्योंकि जो फंगस है वो बहुत सारे ग्रासेस को ग्रास वैराइटीज को एंड वीट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए बहुत सारे फॉर्म स्पीशीज हैं। तो ये जो है जो फंगस है जो पैथोजन है ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो चूंकि सॉइल बॉर्न भी है सीड बॉर्न भी है इसलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रेजिडेंट वैराइटी इज द बेस्ट मेथड। दूसरा है फंजीसाइड्स का यूज करना जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड, यही इसका इफेक्टिव फंजीसाइड है। दूसरा है एक नया मेथड है अवॉइड ओवर फर्टिलाइजेशन एंड एक्सेसिव इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन का ज्यादा इस्तेमाल को कम करना और एक्सेसिव इरिगेशन को भी कम करना, क्योंकि जो ह्यूमिड कंडीशन होता है ह्यूमिड कंडीशन में जिसके स्पोर्स हैं वो आप जर्मिनेट हो सकते हैं, क्योंकि स्पोर्स को या टेलिटो स्पोर्स को जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, एफएलएम ऑफ वाटर जरूरत होती है। प्लांटिंग डेट में ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्क्राइब रस्ट, उस समय जिस समय ये इनोकुलम जर्मिनेट हो रहा होता है उस समय को अगर हम प्लांटिंग को लेट कर दें या पहले कर दें, क्योंकि सीडलिंग स्टेज में जो है इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो अगर हम पहले करते हैं तो सीडलिंग स्टेज स्केप हो जाती है और वहां पर जो यूरोस्पोर्स है वो सीडलिंग पर जर्मिनेट नहीं हो पाता और बाद में एस्टेब्लिश होना थोड़ा मुश्किल है उसका। और इसका एक कारण ये भी दिया गया है, इट विल कंट्रोलिंग वॉलंटियर वीट स्पेशली वेयर वार्म विंटर्स अकर, जहां पर सर्दियों में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है जहां टेम्परेचर ज्यादा होते हैं वहां पे वॉलंटियर जो वीट्स होते हैं वीट प्लांट जहां पर ये पेरिनेट करते हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो भी डिजीज को कंट्रोल किया सकता है। धन्यवाद, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इस सीरीज में फ्लैग स्मार्ट डिजीज ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।